हो गया। आइए गोलीय दर्पण आज पढ़ना है, हेडिंग लिख लीजिए गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है? पिछले क्लासों में हमने प्रकाश का परावर्तन पढ़े हैं। प्रकाश का परावर्तन क्या है? परावर्तन का मतलब क्या होता है? परावर्तन का मतलब क्या होता है? प्रकाश आएगी और टकरा कर उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन का कितने नियम? हाँ, दो नियम होते हैं। जैसे कि हम लोग ऐसे पढ़े थे, इस किरण को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ये किरण आ रही है और यहाँ से रिफ्लेक्स होकर दर्पण को हम क्या करते हैं? ये समतल दर्पण है और इसके बीचों बीच हम क्या डालते हैं? अभिलंब हमेशा कैसा होता है? टूटी फूटी रेखा में। कैसा होता है? टूटी फूटी रेखा में। और ये कौन सी किरण हो गई? ठीक है, अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनने वाला कोण को और इसे हम क्या बोलते हैं? और ये कोण? अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण को आपतन आपतन परावर्तन कोण बोलते हैं ना। और जहां पर आपतित किरण दर्पण से टकरा कर क्या होती है? परावर्तित होती है, उस बिंदु को हम क्या बोलते थे? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु बोलते हैं ना। ये इतना हम लोग पढ़ लिए थे। इसके नियम क्या होते हैं? तो दो होते हैं। परावर्तन के कितने नियम थे? दो पढ़ाए गए। पहला नियम, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया तीनों एक ही समतल पर होते हैं, होते हैं ना। और दूसरा नियम कहता है कोण I बराबर कोण, कोण I बराबर कोण। इतना हम लोग क्या किए हैं? ठीक है, उसके बाद हम लोग प्रतिबिंब पढ़ रहे थे। प्रतिबिंब किसे कहते हैं देख लीजिए। ये दर्पण है, छोड़िए, किसी बिंदु स्रोत से आते हुए प्रकाश की किरण है, दर्पण से टकराने के बाद ना जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कौन प्रकार का होता है? प्रतिबिंब कौन प्रकार? अच्छा, प्रतिबिंब आया कहाँ से? तो ये प्रतिबिंब आया है कहाँ से? बीम से। बीम से, बीम कहे तो बीम कहे तो वस्तु होता है ना। वस्तु का छाया ही क्या कहलाता है? प्रतिबिंब। तो ये जो प्रतिबिंब है दो तरीका से देखा जाता है, एक होता है वास्तविक और एक होता है आभासी या काल्पनिक, इमेजिंग किया जाता है। ठीक है, एक हो गया वास्तविक, एक वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा हो गया आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब। समझा रहा ना? वास्तविक जो रियल इमेज होता है यह वास्तव में दिखेगा। समझा रहा ना? तो देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? किसी बिंदु स्रोत से आते हुए प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम क्या बोलते हैं? मिलेगी उसे वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब में दो बात याद रखिएगा। पहला, ये दर्पण के हमेशा कहाँ बनता है? दर्पण के आगे बनता है, कहाँ बनता है? बायां साइड बनता है। और दूसरा बात कि यह कैसा होता है? उल्टा होता है। दर्पण के आगे बनेगा ये प्रतिबिंब, कहाँ बनेगा? आगे बनेगा, दर्पण के आगे बनेगा। और दूसरा, ये कैसा बनेगा? हमेशा कैसा बनेगा? और तीसरी बात इसमें और एक जोड़ लेते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त किया वास्तविक प्रतिबिंब को, समझा क्लियर है? वो पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, लेकिन आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया नहीं जाता है। आभासी प्रतिबिंब में पॉइंट याद रखिए, यह दर्पण के कहाँ बनता है? पीछे। बहुत बढ़िया, दर्पण के पीछे।
दूसरा बात याद रखिएगा, ये हमेशा कैसा बनता है? कैसा बनता है? सीधा बनता है। तीसरा पॉइंट याद रखिए, इसे दर्पण, इसे क्या पर्दे पर प्राप्त किया जाएगा? हाँ, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जाता है। इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जाता नर के नर है। इतना हम लोग क्या किए हैं? पढ़ लिए। और एक और बात याद रखिए, ये हमेशा सीधी लाइन में रहता है, इसे हमेशा सीधी लाइन में बनाते हैं। लेकिन ये जो होता है, ये भी कैसी रेखा में बनता है? टूटी फूटी रेखा। कैसा? टूटी फूटी रेखा। टूटी फूटी रेखा। समझ आ रहा है? नर के नर है। ये हम लोग जानते हैं प्रतिबिंब के बारे में। प्रतिबिंब जब एक बिंदु पर वास्तव में, जैसे मान लो कि ये दर्पण हो गया, ये दर्पण हो गया, वास्तव में आकर यहाँ पर मिल गई, यहाँ से टकरा कर यहाँ पर चली गई, तो यहाँ पर एक प्रतिबिंब बन जाएगा। ऐसे हम मिला देंगे, जैसे मान लो यहाँ से टकरा कर दर्पण के आगे और ये दर्पण के पीछे, ये मान लो कलाई कर दिए, अब ये जाकर प्रतिबिंब बन गया, इसका मान लो इधर से आ रही है और यहाँ पर, तो यहाँ पर एक वस्तु हम डालें इस तरह से, ऐसे आई प्रकाश की किरण, ऐसे आई टकरा कर चले, इसका प्रतिबिंब हम बनाएंगे, ये प्रतिबिंब हो गया इसका। तो देखो ये लग रहा है कि एक बिंदु से क्या हो रही है, आ रही है, लग रहा है कि एक बिंदु से आ रही है। ये यहाँ पर जो बनेगा प्रतिबिंब, दर्पण के कहाँ है? पीछे है। दर्पण के कहाँ है? पीछे। तो जब दर्पण ये पीछे है तो कैसा प्रतिबिंब? कैसा प्रतिबिंब? और जब दर्पण के आगे बनेगी तो? एक बार बोलिए, वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ बनता है? कहाँ बनता है? कैसा होता है? उल्टा। कैसा होता है? उल्टा। इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है? हाँ, वो एक ही होता है। कहाँ पर बनता है? दर्पण के पीछे। कैसा होता है? सीधा। हमेशा सीधा बनेगा, ठीक है। हाँ, अब इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है? इसे पर्दे पर प्राप्त किया नहीं। ये था हमारा प्रतिबिंब, ठीक है। अब ये प्रतिबिंब हो गया, अब पढ़ेंगे गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है? गोलीय दर्पण क्या होता है? देखिए गोलीय दर्पण क्या है, नाम क्या है? गोला। नाम क्या है? गोला। गोला है, नाम से पता चला कि गोला है। और वह जो दर्पण है, एक दर्पण ऐसा है जो गोल है। कैसा है? गोल। हाँ, दर्पण ऐसा है जो गोल है, उसी को हम क्या बोलते हैं? गोलीय दर्पण। देखिए हम ऐसे अगर परिभाषा लिखना होता ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, हाँ ऐसे लिखेंगे तो कहाँ मिलेगा लड्डू ना? हाँ, कोई नंबर नहीं मिलेगा अगर ऐसे हम लिख कर चले आएंगे तो। एक गोला है और कैसा है? दर्पण है, तो कुछ नहीं मिलने वाला है, समझ रहे ना? उसको लिखना पड़ेगा। तो देखिए गोलीय दर्पण क्या है, हम पहले समझते हैं उसके बाद परिभाषा समझेंगे इसका। ये गोलीय दर्पण है, ये गोला हो गया। क्या हो गया? ये गोला हो गया। लेकिन अगर हम अगर ऐसे बना दिए हैं तो गोले ना मानेंगे। इससे हमको क्या बनाना है? गोलीय दर्पण बनाना है। क्या बनाना है? गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण बनाने के लिए अब हमें एक बात इसमें जोड़नी है। क्या जोड़नी है? कि इसको कलाई करना होगा। कलाई करना होगा, मान लो कि हम इस दर्पण को चारों तरफ से क्या कर दिए? कलाई कर दिए। क्या कर दिए? जब इसको कलाई का मतलब क्या होता है? लेप चढ़ाते हैं ना, लेप चढ़ाते हैं, सिल्वरलाइजेशन करते हैं ना, इंग्लिश में उसको बोलते हैं, याद रखिएगा। ये बताइए अगर इस गोले को हम लेप चढ़ा दिए तो कौन तरीका से चढ़ाएगा लेप इस पे? एक ही तरीका से चढ़ाएगा ना। और इधर भी चढ़ाए तो बाहर है, इधर भी चढ़ाए तो बाहर है, और इधर भी चढ़ाए तो बाहर है, तो एक ही तरफ से चढ़ाएगा ना। एक ही तरफ से जब चढ़ाएंगे इस पर लेप तो ये गोलीय दर्पण में नहीं आएगा। क्योंकि गोलीय दर्पण क्या होता है? तो गोलीय दर्पण उसे कहते हैं जिसका दो परावर्तक सतह बना हो, समझा ना? दो परावर्तक सतहों से घिरे हुए गोले को गोलीय दर्पण हम कहते हैं। दो परावर्तक सतहों से घिरे हुए गोले को हम क्या बोलते हैं? गोलीय दर्पण। यानी दो सतह ऐसा होगा जो परावर्तक होगा, यानी हमें परावर्तक बनाना होगा। परावर्तक का मतलब रिफ्लेक्टेड बनाना होगा, यानी प्रकाश की किरणें आएगी और रिफ्लेक्ट होकर ऐसा सतह हमें बनाना होगा। बनाना होगा कि नहीं बनाना होगा? तो याद रखिएगा, जैसे मान लीजिए ये गोला है, ठीक है, ये गोलीय दर्पण है, ठीक है, ये मेरा हाथ दिख रहा है आप लोग को, ये गोलीय दर्पण है, ठीक। हम इसको क्या कर रहे हैं? कलाई किए हैं। कलाई किए हैं तो कैसे किए हैं? अब इसको हम बता रहे हैं बोर्ड पर, ठीक है। देखिए परावर्तक, दो परावर्तक सतह बनाने के लिए ना हम क्या करते हैं? इसको कलाई करते हैं,
कलाई करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको दोनों तरफ से करेंगे। देखिए एक बार हम कलाई किधर से कर दे, इधर कर दें, ये कर दें, ये वाला, और एक को कलाई हम इधर से कर दें, अंदर से। तो देखिए दो परावर्तक सतह बना कि नहीं बना, एक ये वाला बना और एक ये अंदर वाला, एक बाहर वाला और एक अंदर वाला, ठीक है। तो देखिए ये गोला कैसा दिख रहा है, वृत्त की तरह दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, वृत्त की तरह दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। वृत्त में क्या होता है, त्रिज्या और केंद्रक, त्रिज्या और केंद्रक होता है ना। तो इसके केंद्रक को मान लो ये केंद्रक हो गया, क्या हो गया, केंद्रक हो गया, ठीक। इसके पास त्रिज्या भी होगी ना, त्रिज्या हम इसको यहाँ से मिला देंगे। अगर हम मान लो इसको यहाँ तक दोनों तरफ मिला दें तो क्या दिक्कत, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है नहीं, क्या दिक्कत क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं, क्योंकि वृत्त है तो हम व्यास बना सकते हैं, किसी प्रकार की परेशानी नहीं है ना। अब देखिए एक परावर्तक सतह ये हो गया और एक परावर्तक सतह ये हो गया। अब हम क्या कहें, जैसे कि मान लीजिए हमारा गोला हो गया, ठीक है, ये गोला हो गया। अब इसको हम अलग अलग कर रहे हैं, देखिए अलग अलग होगा, एक ये भाग हो गया और एक भाग ये हो गया। एक गोले को देखिए, इस गोले का कौन सा भाग कलाई किया गया है, ये वाला, पीछे वाला, इसका परावर्तक सतह ये हो गया अंदर वाला। और एक गोले का देखिए कौन सा सतह पर कलाई किया गया, इसका परावर्तक सतह ये हो गया, ये हो गया कि नहीं हो गया, ध्यान दीजिए बात को समझिए। इस ये गोला है, अब इसको हम अलग किए, काट कर क्या कर दिए, काट कर अलग किया ना। तो इस गोले का कौन सा भाग कलेक्ट किया गया, ये वाला, और इस गोले का, ध्यान दीजिए, इसका परावर्तक सतह और इसका परावर्तक सतह बार हुआ है ना। देखिए ध्यान से, अब इसको हम क्या करते हैं, अलग अलग गोला करते हैं, इसको अलग अलग कीजिए। जब इसको हम अलग करेंगे तो इसका एक भाग ये बनेगा और इसका एक भाग ये बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा ना हो, ठीक है। एक भाग ये बन गया और एक भाग ये बन गया। तो देखिए जैसे इस गोला में हम कलाई किए हैं उसी प्रकार इसको भी कलाई कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, कलाई कर दिए हैं और इसको भी वैसे ही कलाई कर दिया, बाहर से। ऐसा हम इसको क्या कर दिए, कलाई कर दिए। ध्यान दीजिएगा कलाई हमेशा किधर किया गया, एक पॉइंट याद रखिएगा, कलाई हमेशा किधर किया गया है, कलाई किधर किया गया है, देखो इधर, देखो इधर, इधर राइट साइड, कलाई हमेशा किधर किया गया है, राइट साइड किया गया कि नहीं किया गया, इधर देखिए इधर, जैसे कि हम ऐसे नहीं बता रहे हैं, इस तरह से नहीं बता रहे हैं, हम बता रहे हैं किधर से, किस तरह से, जिसे हम लिखते हैं, जिस साइड से हम लिखते हैं कलाई, उधर से किया गया कि नहीं किया गया। देखिए कभी भी कीजिएगा ना, हमेशा याद रखिएगा, कभी भी कलाई कीजिएगा तो हमेशा किस साइड से, राइट साइड से, किस साइड से, दायां से, ठीक है, राइट, इसको बोलते हैं ना राइट, राइट साइड से हमेशा कलाई किया जाता है। और कभी भी किसी भी वस्तु को रखना है या प्रकाश को लाना है तो हमेशा याद रखिएगा किधर से आएगा, हमेशा किधर से आएगा, प्रकाश किधर से आएगा, बायां साइड से आएगा ना, प्रकाश किधर से आएगा, और कलाई किधर किया जाएगा, कलाई किधर, कलाई किधर, प्रकाश किधर, प्रकाश किधर, बायां साइड या राइट साइड होगा ना, सॉरी लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड, ठीक है, तो याद रखिएगा। अब जो है हमारा ये क्या है, व्यास बनाए थे, अब इस गोले को हम बीच से ऐसे काट दिए, काट दिए, काटे है ना हो, तो काटे हैं तो यहाँ से ये रेखा इधर जाएगी और ये रेखा इधर जाएगी, यानी एक ये त्रिज्या और एक ये त्रिज्या, तो इसकी त्रिज्या मान लो, सॉरी इसकी त्रिज्या ये और इसकी त्रिज्या ये, ठीक है, इसका केंद्रक ये हो गया और इसका केंद्रक ये हो गया, समझा ना, क्योंकि ये अलग अलग हुआ था, इसका केंद्रक भी तो अलग अलग होगा ना, होगा कि नहीं होगा, तो इसका केंद्रक ये हो गया और इसका केंद्रक ये हो गया। लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हम केंद्रक के बारे में समझ लेते हैं, खोखले गोले, खोखला गोला जिस दर्पण का बना होता है, समझा ना, खोखला गोला जिस दर्पण का बना होता है उसके केंद्रक को हम बोलते हैं वक्रता केंद्र,
उसके केंद्र को क्या बोलते हैं? कोकर्ता केंद्र बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? कोकला वाला जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को ही हम क्या बोलते हैं? कोकर्ता केंद्र। और खोखला गोला जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को ही हम क्या बोलते हैं? कोकर्ता त्रिज्या। क्या बोलते हैं? कोकर्ता त्रिज्या बोलते हैं। कुछ नहीं आपको याद करना है, बस खाली एक बात याद रखना है कि गोलीय दर पर जिस खोखले गोले का भाग होता है, जिस खोखले गोले से बना होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र बोलते हैं। और खोखला और क्या है, गोलीय दर पर जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। किसी को दिक्कत ना रखने आ रहा है? आ रहा है ना, ये हमारा हो गया। लिखना इसमें रटना कुछ नहीं है, केवल आप समझिए। रटने से कुछ नहीं होता है, आप रटिएगा 5 मिनट और 10 मिनट याद रखिएगा, लेकिन समझिएगा तो जिंदगी भर याद रखिएगा। समझिएगा तो आपके दिमाग में होगा, अपने से उसको बना भी लीजिएगा। समझा रहा ना, आपको लिखना है, बोर्ड में क्या करना है? लिखना है। तो रट कर देगा तो कितना रटिएगा, कितना सारा सिलेबस है कितना रटिएगा, आएगा समझ में कुछ? वो याद करके हम ऐसे रट्टा मार कर गए वही हाल हुआ। रटत विद्यावत नहीं आज चपत भोजन पचत नहीं। समझा ना, खूब खा लेते दबेर के तो पचता है, कभी उल्टा आएगा। समझा रखने नाक मुंह में, इसलिए खूब दबेर कर हमें खाना भी नहीं है और रट्टा मारकर पढ़ना भी नहीं है। समझा रखने रहे, पढ़िए ऐसा कि दिमाग में आ जाए। समझा ना, दिमाग में आ जाए तो रट्टा मारिया का। देखिए इसमें अभी कुछ बताए हैं, कुछ नहीं लिखे हैं, बस खाली लेकिन आपको सब चीज पता हो गया। वो कर्ता केंद्र क्या होता है ये भी समझ में आ गया, त्रिज्या क्या होता है ये भी समझ में आएगा। अब इसी चीज को हम अलग अलग लिखते हैं, लेकिन देखिए इसका नाम होता है, ये जो गोलीय दर्पण होता है ये क प्रकार का हो गया। चित्र से देखिए क प्रकार का बन गया, क प्रकार का बना। ऐसे रटेंगे कि दो प्रकार का होता है, भूल गए कहीं तो गड़बड़ हो गया। लेकिन इस गोले को हम इस प्रक्रिया द्वारा अगर समझेंगे तो हमको रटने की जरूरत नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं है। हम ऐसे चित्र बनाए, इसको हम काट दिए, अंडा काटते हैं ना पीछे से, दो को भाग होता है कि नहीं होता है, इसी प्रकार इसको भी हम काट देते हैं, इसका भी दो भाग हो गया, एक भाग ये हो गया और एक भाग ये हो गया। तो इस तरह से गोलीय दर्पण का प्रकार का, का प्रकार दो प्रकार का, ठीक है। तो कौन कौन उसका हम नाम यहाँ पर लिखते हैं, उसका नाम हम लिखते हैं, ठीक है। पहला हो गया कौन सा दर्पण, पहला हो गया हमारा अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, ठीक है। और दूसरा हो गया हमारा क्या, उत्तल उत्तल, ठीक है। पहला हो गया क्या हमारा अवतल दर्पण, और दूसरा हो गया उत्तल दर्पण। लेकिन हमें याद रखिए, ध्यान देना है, अब इसमें हमें ये देखना है कि कौन सा उत्तल दर्पण है और कौन सा अवतल दर्पण। समझ में आ रहे, कौन सा अवतल और कौन सा उत्तल हमें अभी तक पता नहीं है, अभी तक हमें पता नहीं है, ठीक है। लेकिन हमें इसमें देखना है कि कौन सा अवतल है कौन सा उत्तल है। देखिएगा अवतल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण उसे कहते हैं जिसका परावर्तक सतह फंसा हो और उभरा हुआ सतह कलई किया गया है, उसे हम क्या बोलते हैं अवतल दर्पण। क्या होता है देखिए, इधर दिख रहा है ना, इधर नहीं ना चमक रहा है, अवतल दर्पण देखिए ध्यान से। पाला हो गया हमारा अवतल दर्पण, अवतल दर्पण क्या होता है देखिए, वैसा दर्पण जिसका देखिए जिसका क्या परावर्तक सतह, यानी परावर्तक का मतलब जहां पर प्रकाश आ रहा है, आकर और जा रहा है, समझ रहा ना, आकर जा रहा है, उसी को बोले वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हुआ है, अंदर की ओर क्या हुआ है फंसा हुआ है, हाँ अंदर की ओर फंसा हुआ है तथा उभरा हुआ भाग क्या किया गया, कलाई किया गया है। उसे हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे, अवतल दर्पण नहीं वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा तथा उभरा हुआ भाग कलाई किया गया, उसे हम क्या बोलते हैं अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण में देखिए इसमें कौन सा चित्र वैसा दिख रहा है, तो ये देखिएगा, तो दिखेगा अंदर की ओर धंसा है परावर्तक सतह,
दशा के लिए दशा है और बाहर की ओर क्या किया गया है? ये कौन सा दर्पण हो गया? कौन सा दर्पण हो गया? अवतल दर्पण हो गया। कौन सा दर्पण हो गया? ये जब एक को मिलेगा तो दूसरा ऑटोमेटिक मिलेगा। एक दूसरे के क्या होते हैं? विपरीत होते हैं। दूसरा क्या है और इस दर्पण का क्या नाम होगा? इस दर्पण का नाम होगा उत्तल दर्पण। अब क्वेश्चन आ गया, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? पहला तो हम समझ गए, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? ध्यान दीजिए इधर, जिस प्रक्रिया द्वारा जिसको जैसे हम इसको लिखे हैं ना उसी प्रकार हम इसको भी लिख सकते हैं। देखिए, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह यहाँ पर अंदर क्यों रहे ना, अब यहाँ पर परावर्तक सतह क्या है? क्या है? बाहर क्यों? यानी इसमें क्या होगा? परावर्तक सतह बाहर की ओर क्या है? उभरा हुआ। बाहर की ओर उभरा हुआ है, उभरा हुआ है तथा तथा फंसा हुआ भाग क्या किया गया? फंसा हुआ भाग भाग कलाई किया गया, कलाई किया गया, कलाई किया गया है। तो वैसे दर्पण को हम क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण। क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण बोलते हैं, ठीक है। यानी अवतल उत्तल दर्पण परावर्तक सतह बाहर को देखिए, ये हमारा परावर्तक सतह हो गया, ये हमारा क्या हो गया? परावर्तक सतह हो गया। ये हो गया हमारा क्या? उत्तल दर्पण। और ये परावर्तक सतह अंदर की ओर है जिसे हम बोलते हैं अवतल दर्पण। अब है गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? तो वैसा दर्पण या देखिए दो परावर्तक सतह से घिरा हुआ खोखले गोले को हम क्या बोलते हैं? दो परावर्तक सतहों से घिरा हुआ, दो परावर्तक सतहों से घिरा हुआ खोखले गोले को कैसा गोला है? खोखले गोले को, खोखले गोले को क्या बोलते हैं? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण कहा जाता है, कहा जाता है, ठीक है। दो परावर्तक सतहों से घिरे खोखले गोले को क्या बोलते हैं? देखिए खोखले गोले इसको क्यों हम बोलते हैं? ये हमारा क्या है? गोला है। देखो अंदर से खोखला दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, लेकिन इसका दोनों सतह कैसा है? परावर्तक है कि नहीं है? ये गोला है और ये खोखला है, कैसा है? यह खोखला है। और इसके दो परावर्तक सतह है कि नहीं है? परावर्तक सतह है कि नहीं है? पहला सतह ये हो गया और दूसरा सतह ये हो गया। पहला सतह कौन सा है? ये, और दूसरा ये। तो देखिए कभी भी अगर आप भूल गए हैं कि दर्पण कौन सा उत्तल दर्पण है, कौन सा अवतल दर्पण है, आपके पास दो बाह है कि नहीं है? है कि नहीं है? अगर नहीं है तो अलग बात है, लेकिन है ना। अगर आप भूल गए हैं तो आप अपने हाथ को इस प्रकार कीजिएगा, ठीक है। और हम क्या बोले, कलाई किधर होता है? कलाई किधर होता है? राइट साइड से होता है ना। इस हाथ को हटाइएगा और इधर कलाई कीजिएगा। तो ये हो गया हमारा एक, ये हो गया ना। तो अब हम बोले थे, अभी लिखे हैं बोर्ड पर भी दिख रहा है कि जिधर कलाई किया हो वो कैसा सतह है? उभरा हुआ, उभरा हुआ है ना। देखो ये उठा हुआ कि नहीं है? और जो अगर एक सतह क्या हो जाएगा इसका, उभरा होगा और कलाई किया गया है, तो एक सतह ऐसा होगा चिकना होगा जो परावर्तक होगा। तो ये अंदर वाला क्या है? परावर्तक है। तो कौन सा दर्पण? कौन सा दर्पण? और एक मिल गया तेरे को, ये वाला तो मिल जाएगा इसका। अब देखिए, अब हम इसको किस तरह से कलाई किए हैं? इधर से राइट साइड से ना, राइट हो गया इसका ये और इसका राइट ये। इधर से जब हम कलाई करेंगे तो इसका परावर्तक सतह ये, तो जब इसका परावर्तक सतह उठा हुआ है तो इसे हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? ये दोनों परावर्तक सतह किसमें मिला? गोलीय दर्पण। किसमें मिला? यहाँ पर काटे और जब इसको हम मिलाएंगे तो गोलीय दर्पण बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे बनेगा कि नहीं बनेगा? जब ये दोनों सतह परावर्तक है तो दोनों को मिलाते हैं तो एक परावर्तक गोला बनता है, तो वही ना परावर्तक गोला गोलीय दर्पण कहलाता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? ठीक है, अब हमें इसमें पढ़ना है अवतल दर्पण की फोकस क्या होता है। फोकस अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की फोकस क्या होता है, अभी हमें इसमें क्या करना है, पढ़ना है।
क्या करना है? ये समझ में आ गया है? बोलिए दर्पण, समझ में आया कि नहीं आया? दो नंबर का क्वेश्चन पूछता है बोर्ड में, बिहार बोर्ड में या चाहे कोई भी बोर्ड हो, दो नंबर का क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा पूछता है कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं? अवतल दर्पण किसे कहते हैं? तो अवतल दर्पण आप लिख लीजिएगा परिभाषा से, नहीं तो आपको जो तरीका बताए हैं। फिर उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, ये भी आप लिख लीजिएगा। गोलीय दर्पण क्या होता है? तो दो परावर्तक सतहों से घिरे हुए गोले खोखले गोले को हम क्या बोलते हैं? क्लियर, समझ में आ गया? हाँ, नोट करने वाली बात यह है, नोट करने वाली बात यह है, पहला पॉइंट कि हमेशा याद रखिएगा, नोट, हमेशा हमेशा कलाई किधर से किया जाएगा? कलाई किधर से किया जाएगा? दाया ना, दाया तरफ से किया जाता है, किया जाता है, समझा ना? और दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, वस्तु हो या प्रकाश हो, क्या वस्तु हो या प्रकाश हो, हमेशा याद रखिएगा, हमेशा हमेशा इधर होगा, इधर होगा, ये हमारा दो पॉइंट एकदम याद रखिएगा। और इस दोनों पॉइंट को लेकर चलिएगा तो आप कभी भी कंफ्यूजन इसमें नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि जा रहा है? अब हम इस ये सब पढ़ लिए, ये हमारा क्या हो गया? त्रिज्या हो गया इसमें, ये भी क्या हो गया? त्रिज्या हो गया, ये भी क्या हो गया? त्रिज्या होता है ना, ठीक है। तो ये हमारा गोला है तो इसको गोलीय दर्पण की त्रिज्या बोलते हैं, ठीक है। अब हम इसको, अब इस गोले को हम काटे हैं तो सब अलग अलग हो गए, ठीक है, इसके दो परावर्तक सतह। अब क्वेश्चन आपके दिमाग में होगा कि सर जी ये वाला भगवान तो खाली है, ये वाला भाग तो खाली है, तो क्या दिक्कत है? खाली रहने दीजिए, इसे क्या मतलब है? अब किसी को दिक्कत होगा कि नहीं हमको नहीं समझ में रहा, इसको भी समझाइए, लीजिए हम इसको भी समझा दे रहे हैं वही नियम से। इसको भी अगर कलाई करेंगे इधर ये अंदर से हो जाएगा, और ये कहाँ से हो जाएगा? इसको भी काटेंगे तो ये निकल करेगा, यहाँ से भी काटेंगे तो, आज जब यहाँ से पूरा कटिए दिया तो बचा क्या है? बचा है, और इसको यहाँ तक बढ़ा देंगे और इसको यहाँ तक बढ़ा देंगे, यहाँ से काट अलग अलग हो गया, बचा क्या है? कुछ बचा है? कुछ बचा है? नहीं बचा है। ये निकल कर आएगा और ये निकल कर आएगा, सुनना रहा है? नरक नहीं रहा है। अब हमें पढ़ना है गोलीय दर्पण की त्रिज्या क्या होता है, दर्पण की त्रिज्या है क्या, और उत्तल दर्पण की त्रिज्या और अवतल दर्पण की त्रिज्या क्या है, इसके बारे में हमें क्या करना है? चलिए देखते हैं, मिटाया जाए। ठीक है, देखिए अवतल दर्पण की त्रिज्या पहले पढ़ते हैं, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण अभी लिखवाए हैं, पहला पॉइंट इसमें पढ़ेंगे कि इसकी फोकस क्या होता है, फोकस देखिए दर्पण हम पढ़ रहे हैं तो फोकस जरूरी है पढ़ना, फोकस को याद करना जरूरी है, क्योंकि फोकस से ही सब काम होगा, समझा रहा ना? तो फोकस हमें एकदम नाम, अच्छा इसके नाम सुने, फोकस कुछ सुने में लग रहा है कुछ हुआ जी टाइप का, फोकस कहा जाता है कि अपने गोल पर फोकस करो, कहा जाता है ना फोकस, फोकस का मतलब कोई बिंदु है जहां पर हमें देखना है, कोई बिंदु है जहां पर हमें क्या करना है, फोकस करना है, अपना ध्यान एकत्रित करना है, लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो फोकस का मतलब क्या होगा? फोकस का मतलब, फोकस का मतलब बिंदु होता है भैया, फोकस का मतलब क्या, फोकस का मतलब जहां पर हमें क्या करना है, हमें फोकस करना है, इसमें हमें कोई फोकस नहीं करना है, फोकस करवाना है जबरदस्ती, समझा रहे कि नहीं रहे? जबरदस्ती फोकस करवाना किससे, चाहे वस्तु हो या प्रकाश हो, दर्पण पर तो ये चीज ना रखेंगे, या तो हम खुद खड़ा हो सकते हैं या तो प्रकाश को ला सकते हैं, यानी हम खुद खड़ा यानी वस्तु, वस्तु में सभी चीज आ जाएगा, जिस चीज को हम रखना चाहेंगे वस्तु हो गई, और एक दूसरा होगा लाइट प्रकाश, समझ में आ रहे कि नहीं रहे? देखिए अवतल दर्पण की फोकस क्या होता है, कि दो नंबर में क्वेश्चन पूछता है, फोकस क्या होता है, देखिए प्रकाश कहाँ से आती है, वही तो स्रोत होगा ना, सोर्स ऑफ लाइट होगा ना, वही तो प्रकाश का स्रोत होगा, जहां से प्रकाश आती है, जहां से प्रकाश आती है। तो देखिए जिस बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरणें आती है, याद रखिएगा, जिस बिंदु स्रोत से, फोकस हम समझा रहे हैं, फोकस क्या है, जिस, अच्छा इधर चमक रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना,
जिस बिंदु जिस बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरण प्रकाश की किरण आती है। देखिए जिस बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरण आती है ठीक है और किस दर्पण में अवतल दर्पण तो देखिए अवतल दर्पण है ठीक है हम रेटिंग डाले हैं अवतल दर्पण है ठीक है लेकिन हम अपने तरीका से समझेंगे इसको समझ रहे ना। और जिस बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरण आती है दर्पण से टकराने के बाद दर्पण से परावर्तन के बाद टकराना छोड़ दीजिए मत लिखिए पुराना शब्द है नया शब्द जोड़ लीजिए दर्पण से परावर्तन के बाद ठीक है किरण आती है दर्पण से परावर्तन परावर्तन के बाद बाद जिस बिंदु पर क्या हो रही है मिलती है या जिस बिंदु से होकर गुजरती है बात दोनों बराबर है जिस बिंदु पर क्या होती है मिलती है इसको मत लिखो जिस बिंदु से होकर गुजरती है उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं फोकस बोलते हैं। अब देखिए जिस बिंदु से होकर क्या करी गुजर रही है ना ये वास्तविक लग रहा है कि आभासी लग रहा है वास्तविक लग रहा है ना इसमें तो कहा नहीं गया कि आती प्रतीत हो रही है इसमें तो नहीं लग रहा है जिस बिंदु से या जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम क्या बोलते हैं वास्तविक गुजरती है उस बिंदु को क्या बोलते हैं इसका फोकस अवतल ठीक है उस बिंदु को अवतल दर्पण का फोकस कहते याद रखिएगा अवतल दर्पण में एक और पॉइंट इसमें याद रखिएगा एक और पॉइंट याद रखिएगा अवतल दर्पण का फोकस जो होता है अवतल दर्पण का जो फोकस होता है हमेशा याद रखिएगा अवतल दर्पण का फोकस कहाँ होता है कहाँ होगा दर्पण के आगे हाँ याद रखिएगा जो फोकस होता है दर्पण का अवतल दर्पण का दर्पण के कहाँ होता है ये जो फोकस होगा दर्पण के कौन सा दर्पण दर्पण के आगे ये दर्पण के हमेशा आगे होगा ठीक है कैसे होगा आइए इस चीज को हम समझते हैं चित्र के माध्यम से इधर दिख रहा है ना इधर दिख रहा है पूरा बोर्ड देखिए ध्यान से अवतल दर्पण का चित्र बनाना आप लोग जान गए हैं बहुत बढ़िया ये हमारा क्या हो गया कौन सा दर्पण है कौन सा दर्पण है यही तो आप लोग की मूर्खता है यही अब जब तक हम इसमें कुछ ठीक है आप बोल दिए कौन सा दर्पण है हम इधर से कलई कर देंगे तब अभी कुछ नहीं है खाली दर्पण है मेरा नाम हाँ लेकिन हमें कौन सा दर्पण पढ़ना है अवतल दर्पण हमेशा अरे बोलिए बाहर की तरफ क्या किया जाता है परावर्तक सतह ठीक है ये हमारा हो गया याद इसको हम बोलते हैं मुख्य क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं मुख्य इसके बीच में इधर होता है वक्रता केंद्र क्या बोलते हैं मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस प्रधान अक्ष भी इसको बोला जाता है ठीक है एक सीधी रेखा होती है जो दर्पण के बीचों बीच खींची जाती है उसे हम क्या बोलते हैं मुख्य अक्ष देखिए मुख्य अक्ष क्या होता है अब इसके अब हम क्या कहें हैं मुख्य अक्ष के समानांतर हम एक प्रकाश की किरण लाते हैं क्या लाते हैं प्रकाश की किरण देखिए प्रकाश जब इसमें हम डाल रहे हैं तो बहुत सारा प्रकाश जा रहा है इधर से प्रकाश यहाँ पर डाले इधरों से प्रकाश जा रहे ये जा रहे फिर इधर से प्रकाश गया फिर इधर से प्रकाश गया ठीक है प्रकाश जब इधर से गया तो प्रकाश का क्या होगा रिफ्लेक्टेड होगा ना परावर्तन होगा कि नहीं होगा ठीक है तो प्रकाश ये इस किरण का प्रकाश इस पे आया फिर ये किरण इस पे गया ठीक है इसका भी यहीं पर गया और ये भी परावर्तित होकर यहाँ पर जिस बिंदु पर देखो जिस बिंदु से होकर गुजर रही है सारे प्रकाश की किरण एक ही बिंदु से होकर गुजर रही है
और एक नहीं गुजर रही, एक नहीं। देखो इधर देखिए, ये प्रकाश किरण, ये आपतित किरण है, ये आपतित किरण है, ये हमारा मुख्य आज। ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है? ये है अवतल दर्पण, ठीक है। और इस अवतल दर्पण पर ये हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस इसे बोलते हैं, ठीक है। मुख्य अक्ष के समानांतर हम प्रकाश की किरण बुलाते हैं। जब प्रकाश की किरण बुलाते हैं तो डालते हैं इस पर कहाँ पर? अवतल। जब अवतल दर्पण पर हम डालते हैं, देखिए अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद एक ही बिंदु से होकर क्या हो रही है? एक ही बिंदु से क्या कर रही है? गुजर रही है, या एक ही बिंदु से होकर जा रही है। उसी को हम बोलते हैं क्या? अवतल दर्पण का फोकस। अवतल दर्पण का फोकस, ठीक है। ये हमारा अवतल दर्पण का फोकस होगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? अब देखते हैं, अब देखें क्या उत्तल दर्पण का फोकस। उत्तल दर्पण का फोकस क्या होता है? इसका जस्ट विपरीत होगा। अगर हम इस दर्पण को, इसमें क्या लिखा है कि जिस बिंदु से प्रकाश किरण आती है दर्पण से परावर्तन के बाद। अब देखिए दर्पण से परावर्तन के बाद ही तो टकरा कर क्या हो रही है? जा रही है। लेकिन इसमें क्या है कि दर्पण के आगे बन है, लेकिन उसमें क्या होगा? दर्पण के पीछे बनेगा। उसमें कहां बनेगा? दर्पण के पीछे। आइए देखते हैं। जो परिभाषा लिखे हैं हम अवतल दर्पण का फोकस, वही परिभाषा इसमें भी होगा, लेकिन थोड़ा सा केवल चेंजिंग होगा। क्या चेंजिंग होगा? इसमें ना एक बिंदु से आती हुई प्रतिबिंब होते हैं मेरा ना, एक बिंदु स्रोत से, देखिए किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें कौन से दर्पण से? उत्तल दर्पण से परावर्तन टकरा कर तो परावर्तित हो जाती है, लेकिन दर्पण के पीछे एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। दर्पण के पीछे एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। देखिए कैसे ये कैसे हो रहा है, देखिए ये हम बना लिए। कौन सा दर्पण है ये? कौन सा दर्पण लिखे है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में कहां पर कलई किया जाता है? ये हो गया, ये हुआ कि नहीं हुआ? ये हुआ कि नहीं हुआ? अंदर की ओर हम कलाई किए कि नहीं किए? अंदर की ओर कलाई किए तो कौन सा दर्पण बन गया? उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण बना कि नहीं बना? बना ना वो। हाँ। किसी को नींद मार रहा है, भाई लगा तका हो, सोइए मत, जगे रहिए। जो सोया हो सोया, जो जगा हो पाया। नहीं, अब उल्टा हो गया, अब उल्टा हो गया। ये नियम जो है उल्टा हो गया नर्क ना। हाँ, जो देखो, जो जागत है वो पावत है नो, नहीं जो सोवत है वो खोवत है, और जो जागत है वो क्या करते है? केवल मोबाइल चलावत है ना। उल्टा हो गया है, जो सो गया है वो खो, बोला जाता है जो सो गया वो खो गया, नहीं वो सही बात है खो गया है, लेकिन जो जागा है वो कौन सा मार बड़का पहाड़ तोड़ रहा है? मोबाइल तो चला रहा है ना। अब उल्टा हो गया, जनरेशन के अनुसार हर एक चीज क्या हो गया है? उल्टा हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, आइए आइए हम पढ़ते हैं। उत्तल दर्पण में देखते हैं, देखिए अब प्रकाश की किरण हम इसको डालेंगे, ठीक है। ये इसका क्या हो गया? मुख्य अक्ष। क्या हो गया इसका? मुख्य अक्ष। इसको हम थोड़ा सा इधर से भी बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बढ़ा देंगे। अब प्रकाश की किरण हम यहाँ पर डालेंगे, ठीक है। प्रकाश की किरण हम यहाँ पर डालें, फिर यहाँ से भी प्रकाश की किरण डालें, क्योंकि प्रकाश की किरण डालेंगे तो एक ही होगा, वो बहुत सारे है किरण, ये किरण क्या है? बहुत सारे किरण है, लेकिन उसमें से हम एक किरण दो किरण को ले लेते हैं समझने के लिए। इसमें प्रकाश हम डाल रहे हैं, ये लाइट जल रहा है, तो केवल एक ही प्रकाश आ रहा है हम पे, अनगिनत प्रकाश की लाइट है, ठीक है। इसमें किरण है, अब ये इसका नियम परावर्तन के नियम से ये आया, ये आने वाली किरण इनसाइड रे और ये चली गई, ठीक है। ये भी आई किरण है और ये रिफ्लेक्ट होकर चली गई, ठीक है, चली गई। अब ये किरण है, ये जो जा रही है इसको हम आगे तक बढ़ाएंगे, कहाँ तक बढ़ाएंगे? आगे। जब इसको हम आगे तक बढ़ा रहे हैं, इसे बढ़ा रहे हैं यहाँ, अब ये जो किरण जा रही है इसको भी हम क्या करेंगे? आगे तक बढ़ा रहे, ठीक है। ये देखिए, जब इसको हम, ये जो आ जाने वाली किरणें हैं इसको जब हम इस तरह से बनाए ना, लगेगा कि ये किरणें
दर्पण के पीछे से एक बिंदु से आ रही है। देखिए दिखने में लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये किरण लग रहा है कि नहीं लग रहा है, एक ये जो निकल रही है एक बिंदु स्रोत से आ रही है। देखिए उत्तल दर्पण में देखिए फोकस को, तो जिस बिंदु से यह आती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है किस दर्पण में, उत्तल दर्पण। अब सुनिए जो जो चीज हम इस पे हम डाले हैं उसी चीज को हम समझ रहे हैं। किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश किरण उत्तल दर्पण से परावर्तन के बाद, उत्तल दर्पण से दूसरे दर्पण है ना, उत्तल दर्पण से परावर्तन के बाद दर्पण के पीछे से, दर्पण के पीछे से जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत हो रही है ना क्योंकि यह भासी है, टूटी फूटी लाइन है, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को ही हम क्या बोलते हैं, बिंदु को क्या बोलते हैं, उसका फोकस। और एक बिंदु है जिसको हम फोकस बिंदु भी कह सकते हैं। किसी भी प्रकार की दिक्कत ना परिभाषा इसको कैसा कैसे लिखना एक बार और सुन लीजिए। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण से टकराने के बाद दर्पण के पीछे से जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, दर्पण के पीछे से जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे हम क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण का फोकस, उत्तल दर्पण का फोकस। अब नोट करने वाली बात इसमें भी है, इसमें भी है कि यहाँ पर जो फोकस होगा वो दर्पण के कहाँ हो रहा है, दर्पण के पीछे। ये जो फोकस है, ये जो फोकस है कहाँ पर बन रहा है, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे ऐसा बन रहा है, पीछे बन रहा है। पॉइंट नंबर वन इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना। दूसरा पॉइंट कहता है कि दर्पण के तो पीछे बन रहा है, समझा रहा ना, लेकिन ये किधर बन रहा है, पीछे की आगे, बाएं की दाएं, राइट साइड में बन रहा है, किधर बन रहा है, दाया दाया भाग में, दाई तरफ बन रहा है, दाया तरफ बन रहा है, समझा रहा ना, दाया तरफ बन रहा है। जो चीज याद रखिएगा हमेशा, समझा रहा ना। हाँ ये हो गया हमारा उत्तल दर्पण की फोकस और अवतल दर्पण की फोकस। अवतल दर्पण और दोनों दर्पण को एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। इस दर्पण को हम ऐसे बना देते हैं, ये हमारा मुख्य अक्ष हो जाए, प्रिंसिपल एक्सिस। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं तो याद रखिएगा, किसी को नहीं याद है तो मुख्य अक्ष क्या होता है तो देखिएगा, मुख्य अक्ष किसे कहते हैं तो वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली एक सीधी रेखा को ही हम क्या बोलते हैं। तो कभी भी दर्पण बनाइएगा तो देखिएगा, पॉइंट देखिए दर्पण में ये जहाँ पर मिल रही है उसे हम बोलते हैं ध्रुव, क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ध्रुव। ध्रुव जो होता है दर्पण का क्या होता है, मध्य बिंदु होता है, क्या होता है, मध्य बिंदु दर्पण का, ठीक है। अभी हम जब किरण आरेख बताएंगे, इस दर्पण का किरण आरेख बताएंगे, उत्तल का, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण का, उसमें बताएंगे कि कौन सा पॉइंट कहाँ कहाँ पर होता है, समझा ना, कौन सा पॉइंट कहाँ कहाँ पर होता है उस चीज के बारे में बताएंगे, ठीक है। ध्रुव होता है, अब ये जो हमारा हो गया मुख्य अक्ष, इसका केंद्र तो अभी पढ़े थे ना, इसका केंद्र पढ़े ना अभी, ये हमारा केंद्र हो गया, इसका मुख्य केंद्र हो गया। अभी हम पढ़े हैं क्या पढ़े हैं, फोकस पढ़े हैं। अभी हम क्या पढ़े हैं, वो करता केंद्र कहाँ से, सेंटर, सेंटर सी से शुरू हो रहा है ना, तो उसको हम सी से लिखते हैं, तो हमारा क्या हो गया, वो करता केंद्र, वो करता केंद्र सी सेंटर। और ये जो है देखिए, ये हमारा क्या, अभी जो अभी ये प्रकाश की किरण यहाँ पर हम डाले हैं, यहाँ से हम डाले हैं तो यहाँ से होकर गुजर रही है, ये परावर्तन होकर यहाँ से गुजर रही है, देखिए ये आ रही है, ये और ये जा रही है, जिस बिंदु से होकर गुजरती है उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, और फोकस को हमेशा कैपिटल यप से सूचित करते हैं, कैसे करते हैं, यहाँ पर भी क्या होगा, कैपिटल यप होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, हाँ। तो ये हो गया हमारा अवतल दर्पण का, किसका, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण का। तो देखिये यप, यप और ये ध्रुव, ध्रुव को हम पी से सूचित करते हैं, पोल, पी से पोल, तो पी से हो गया, देखो ये हो गया पी से, ये हो गया एफ से, और ये हो गया सी से, तो सी वाले को हम सेंटर, वक्रता केंद्र, एफ वाले को फोकस बिंदु, और पी वाले को पोल, ध्रुव, पी वाले को ध्रुव बोलते हैं ना। अब देखिए फोकस और ध्रुव के बीच में देखो एक सीधी लाइन आ रही है, नहीं आ रही है, कुछ दूरी है कि नहीं है, है ना, कुछ दूरी, इस दूरी को हम बोलते हैं फोकस दूरी, और इसे हम स्मॉल से सूचित करते हैं। देखो यहाँ पर कैसे दर्शाएंगे, यहाँ पर सी है पहला पॉइंट, सी है, इसे हम बोलते हैं वक्रता
केंद्र, वो करता केंद्र, इसे क्या बोलते हैं मकर का केंद्र। दूसरा पॉइंट, ये हमारा क्या है, एफ है, एफ को क्या बोलते हैं फोकस बिंदु, क्या बोलते हैं फोकस बिंदु, हाँ फोकस बिंदु लगा दीजिए, फोकस बिंदु एफ से सूचित करते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, पी है, पी हमारा क्या है, पी हमारा क्या है, और चौथा पॉइंट हमारा क्या है, स्मॉल एफ है, क्या है स्मॉल एफ, स्मॉल एफ है, और ये जो स्मॉल एफ है इसे हम क्या बोलते हैं फोकस, हाँ फोकस दूरी। ये चार बातें हमको क्या करना है, याद रखना है। देखिए ये ध्रुव हो गया, एफ और पी के बीच की दूरी को फोकस दूरी बोलते हैं। फोकस अभी पढ़वे किए हैं, वक्रता केंद्र तो जानवे किए हैं कि खोखले गोले जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। ये समझ में आ गया प्रक्रिया, ये अवतल दर्पण उत्तल दर्पण हो गया और ये अवतल दर्पण, जिस प्रक्रिया द्वारा इसमें हम फोकस ध्रुव को दर्शाए हैं उसी प्रक्रिया द्वारा इसमें भी हम दर्शाए हैं। क्लियर, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे F बराबर R by 2 सिद्ध करने वाला, कल कब, कल F बराबर होता है, देखिए अब इसी चीज को, ये जो है ना इसी चीज को हम लोग सिद्ध करेंगे। अगर यहाँ से देखिए ये दर्पण है, यहाँ से मिलाएंगे तो हमारा त्रिज्या हो जाएगा, समझा ना, ठीक है।